नमस्कार, वेलकम टू कैंप शिक्षा। दिस टाइम द टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। आई एम कंटिन्यूइंग द सीरीज दैट इज नीट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दिस वीडियो कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम 2009 टू 2024। देखते हैं जरा मोल कॉन्सेप्ट का पहला एक क्वेश्चन तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कैन से नीट 2024। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर बिल्कुल फॉर्मुला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मुला पता होना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। तो ग्लूकोज इज नथिंग बट, ग्लूकोज क्या होगा जी? ग्लूकोज होगा आपका C6H12O6। ठीक है जी, इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे दैट मॉलिक्यूलर मास विल कम आउट टू बी कितना? दैट विल कम आउट टू बी 180। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो आई होप आप सभी निकालना जानते होंगे। जैसे 6/12 हो गया, मतलब 6 बार 12, फिर उसके बाद आपके पास 12/1 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1, और 6/16 दिस टोटल विल कम आउट टू बी कितना 180। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास तो पकड़ में आ गया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका कि मोलारिटी अगर आपको निकालनी है, थोड़ा ब्लू पेन थोड़ा कम विजिबल है, ग्रीन पेन यूज करता हूं मैं, देखना। अगर आपको मोलारिटी निकालनी है तो दैट मोलारिटी का फॉर्मूला विल कम आउट टू बी कितना? दैट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यू कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे रखेंगे क्या, यहां पे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो यहाँ पे यह 1000 भी लगाना पड़ेगा ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी लीटर में दे रखा हो तो ये 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। सारा वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो वैल्यूज क्या क्या है देखना। गिवन वेट मेरे को निकालना है, अच्छा एक बार नीचे लिख देता हूँ, देखना। मोलारिटी क्या, मोलारिटी आपको दे रखा है कितना? मोलारिटी इज 1/20। अगर ऐसे लिखा हो ना M/20, तो M/20 इज एक्चुअली 1/20। गिवन वेट कितना है? गिवन वेट मेरे को निकालना है। ठीक है, ये 1000 का 1000 ही रहा। ठीक है, MB इज दी मोलर मास, मोलर मास अच्छा दे भी रखा है, मैंने निकालने को बोला था वैसे दे रखा है 180। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 250 ml। तो ये आपको कितना दे रखा है? 250 ml। तो ये सब काटा पीटी करके यहाँ से W भी निकाल देना, W विल बी योर आंसर। तो वो आंसर कितना आ जाएगा? 2.25 ग्राम। दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर। आपसे कहता क्या है? कहता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको जस्ट ये चेक करना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे एज दैट ऑफ 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो उसको अगर आप ऐसा कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप सभी के, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं। तो सिंपली बस आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सभी के। ठीक है, तो ऐसा कर लो, जैसे अगर मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना दे रखा है आपको? 1। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2। दिस वजह से ये कितना आ गया, ये कह लो हाफ आ गया, 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं सारी ऑप्शन को चेक करूँ, जैसे इस ऑप्शन को चेक करूँ तो इस ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ तो दिस ऑप्शन विल कम आउट टू बी कितना? गिवन मास इज 14, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28। तो इसकी वजह से ये भी कितना आ गया, ये भी हाफ, ये भी आ गया 0.5 मोल्स। ठीक है जी, आंसर तो वैसे मिल गया हमें, देखे ना सिंगल करेक्ट ही होगा ना। तो इस वजह से अगर देखेंगे तो अगर सिंगल करेक्ट ही है तो अगर ए ऑप्शन आपका आंसर है तो बाकी सबको चेक करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर करना पड़े तो क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकता हूँ इसका गिवन मास इज 18, मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो 18, ये तो आपके पास 1 मोल आ गया। ठीक है, अगली की बात करूं तो आपके पास गिवन मास कितना है? 16। कार्बन मोनोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28, जिसकी वजह से ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4/7 मोल्स आ जाएगा। और अगले की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास कितना गिवन मास इज 28, मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास इज 28, दैट्स व्हाई ये कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। तो आपको मैच किससे कराना था? आपको मैच कराना था आपके 0.5 मोल से। तो 0.5 मोल से कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर। आपसे कहता क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 0.3 ग्राम है, अगर उससे CO2 निकल रहा है 0.2 ग्राम और 0.1 ग्राम H2O निकल रहा है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? जैसा कि आपको पता है ना कि आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मान लो हाइड्रोकार्बन हुआ आपके पास, तो वो आपके पास क्या होगा, उसमें कुछ कार्बन होंगे कुछ हाइड्रोजन होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है, अभी हाइड्रोकार्बन तो लिखा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है शायद कुछ ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात ये कह रहा है कि इसका जब हम कंबशन कराते हैं तो इसका कंबशन होने से क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ का जितना भी कार्बन है दैट ऑल कार्बन विल कन्वर्ट इनटू CO2।
ठीक है, तो सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली इसका सारा का सारा हाइड्रोजन आपका H2O में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना वो सारे सारे H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आप यहीं से बात को क्रैक कर दो, CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मुला लिखो, वहीं से बातों को करना शुरू करो। जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मुला लिखूं, वहां से बोलूं कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आपको याद है क्या? 12 प्लस 2 बार 16, दैट इज नथिंग बट 44, है ना। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं तो उसमें आपके पास कितना, उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 0.2 ग्राम अगर मैं CO2 लेके चलूंगा तो उसके अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या, वेट ऑफ कार्बन। दैट वेट ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी कितना, 0.2 इंटू 12 डिवाइड बाय 44, ये निकालना, इससे आपके पास वेट ऑफ कार्बन निकल के आएगा। तो अगर हमने सबको सही किया होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.054 ग्राम, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, अब आपको निकालना परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, दिस वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इनटू 100, ठीक है। तो वेट ऑफ कार्बन तो कितना निकल के आया, 0.054 इनटू 100 कर दो और डिवाइड बाय दिस वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.3, 0.3 से डिवाइड कर देना, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या करूं, इसका मतलब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाय कितना कर दूं, डिवाइड बाय 0.3 कर दूं। ऐसा करने से ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 18.18%। दैट्स व्हाई आंसर तो मेरे को यहीं से दिख गया, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 18.18 अगर कार्बन आ रहा है तो दूसरा हैज टू बी 3.7%। दूसरे को भी कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े प्यार से कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको कैसे करूं, मान लो आपके पास H2O है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास लिखो तो कितना लिखूं, 18 ग्राम। तो मैं करूं 18 ग्राम H2O के अंदर अगर आपको हाइड्रोजन देखना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन के अंदर कितना, 0.1 ग्राम H2O है तो 0.1 ग्राम H2O के अंदर कितने ग्राम, लेट्स से x ग्राम हाइड्रोजन होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x निकाल लो, तो यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट टू बी कितना, 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18 करना तो यू विल गेट दी वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वो वेट ऑफ हाइड्रोजन निकल के आएगा कितना, ये अगर आप निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी 0.0111, ऐसे आ जाएगा इतना ग्राम। अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो वही यहाँ पे जो वेट आ रहा था, इस वेट को डिवाइडेड बाय करना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है था 0.3 इंटू 100 कर देना। ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगी, ऐसा करने से आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट टू बी कितना, 3.70%। तो अगर हमने सब कुछ सही किया है तो आंसर पक्का सही होगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर। ऐसे में आपको NaOH की रिएक्शन करा रहा है HCl के साथ, मतलब NaOH की रिएक्शन HCl के साथ एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करा रहा है। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, ये तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो गया कि एसिड और बेस को रिएक्शन कराता है। और उसमें भी आपको कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास ज्यादा है, HCl बता रखा है कि कितना रिएक्ट कर रहा है। बाद में कह रहा है लास्ट में मेरे को ये बता दो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था वो कितना अनरिएक्टेड पड़ा रह जाएगा आफ्टर रिएक्शन, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आप मोल कॉन्सेप्ट से जाओ या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है जब भी कोई एसिड बेस रिएक्ट करता है तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होता है, ठीक है जी। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो इसकी मोलारिटी HCl की मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ HCl इनटू एन फैक्टर ऑफ HCl। सिमिलरली यहां पे मैं बोलूंगा दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अगर आपको निकालना है तो पहले यहां से निकाल देता हूं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज कितना। तो ये अगर मैं निकालूं तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल बी मोलारिटी दैट विल बी 0.75, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम आपको 25 ml दे रखा है और ये नंबर ऑफ सॉरी एन फैक्टर ऑफ HCl क्या होता है, वो होता है 1। एन फैक्टर क्या चीज होती है HCl का, जितने H प्लस आयन वो लिबरेट कर सकता है, सिंस HCl आपका एक ही हाइड्रोजन लिबरेट कर पाता है, दैट्स व्हाई आपके पास इसका एन फैक्टर 1 होगा। H2SO4 होता तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाता, ठीक है जी। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाल लेना। तो ये कैलकुलेशन करने पे कितने आ रहे, 18.75। लेकिन एक टेक्निकल एरर छोटा सा मैंने किया, वो ये किया कि मैंने जो वॉल्यूम लिया वो आपका ml में लिया। तो अगर वॉल्यूम ml में है तो उसको इक्विवेलेंट नहीं बोलते बल्कि उसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं, या तो ऐसा कह लो या फिर उसको डिवाइड बाय 1000 कर लेना तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, मैंने यहां से मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए, ठीक है ना। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आपके पास इतने निकल के आए। अब यहां से अगर आपको इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालना है तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू बी कितना, 18.75 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, ये कर दिया मैंने। यहां से अगर मेरे को वेट ऑफ NaOH निकालना तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो NaOH का इक्विवेलेंट है 18.75 डिवाइडेड बाय 1000 और
आपके पास NaOH जो है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 और इसका इन्फेक्टर होता है 1। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इन्फेक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास तो 40 हो गया NaOH का, इन्फेक्टर आपका मैंने बोला कि कोई भी आपका बेस है तो वो कितना OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है वो उसका इन्फेक्टर होता है, तो इसका इन्फेक्टर कितना हो गया 1। दैट्स व्हाई ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया वेट ऑफ NaOH रिएक्टेड। तो एक्चुअली में NaOH जो HCl के साथ रिएक्ट करा होगा उसका वेट निकल के आ गया। तो वेट कितना निकल के आ रहा है, वो वेट निकल के आ रहा है 0.75 ग्राम। तो आउट ऑफ 1 ग्राम 0.75 ग्राम रिएक्ट कर चुका है, तो लेफ्ट कितना होगा अगर मैं बोलूं आपसे, तो मैं आपसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं NaOH लेफ्ट, NaOH कितना बचा होगा वो अगर आपको निकालना है तो जो आपको दे रखा था 1 उसमें से 0.75 माइनस कर देना। मतलब मैंने निकाला क्या, मैंने ये निकाला कि NaOH HCl से कितना रिएक्ट कर गया, वो वेट निकाल लिया, तो मैंने 1 में से माइनस कर दिया। 1 में से अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 में से सब्स्टिट्यूट करने पे दिस विल गिव यू क्या, 0.25 ग्राम। 0.25 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, 250 मिलीग्राम। तो आंसर तो हमें मिल गया, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 250 मिलीग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक दूसरा तरीका भी हो सकता है क्वेश्चन को करने का, वो ये हो सकता है कि आप मोल कॉन्सेप्ट से जाओ। मोल कॉन्सेप्ट से जाओगे तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि NaOH और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते क्या है, NaCl बनाते हैं और पानी बनाते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का मोल्स आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों के मोल्स आपस में बराबर है तो इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, तो वो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो गिवन मास ऑफ NaOH तो आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40, गिवन मास ऑफ HCl के गिवन मास नहीं दे रखा है, HCl का मोल निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाओ। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी मोलारिटी दे रखी है, तो मोलारिटी से मोल्स कैसे निकलते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर देना, बट इस वॉल्यूम को लीटर में ले लेना। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या करना, मोलारिटी सब्स्टिट्यूट करना, मोलारिटी इज 0.75। ठीक है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करना वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप लीटर में सब्स्टिट्यूट करना, तो 25/1000 करना। अगर हमने सब कुछ सही किया और यहाँ से वेट निकालूंगा तो वेट ऑफ NaOH यहाँ से भी वही आएगा जो ऊपर से आ रहा था, दैट इज 0.75 ग्राम्स। तो मैं फिर से कह सकता हूँ कि 0.75 ग्राम्स अगर NaOH आपका रिएक्ट कर रहा है, इनिशियली आपके पास एक ग्राम था, तो एक ग्राम में से 0.75 रिएक्ट करके तो बचा हुआ कितना हो, 0.25 ग्राम, दैट्स व्हाई इट विल बी 250 मिलीग्राम। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, जब भी कभी एसिड बेस वाला क्वेश्चंस आए तो या तो इक्विवेलेंट को इक्वल करके कर देना या फिर मोल कॉन्सेप्ट से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लगा के पहले ये रिश्ता निकाल लो, ये रिलेशनशिप निकाल लो इनका आपस में कि भाई कितने मोल से कितना मोल रिएक्ट करता है, तो ये पता लग जाएगा कि इसका इतना मोल इसके इतने मोल के बराबर है। जैसे यहाँ पे एक मोल से एक मोल रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने दोनों के मोल्स आपस में बराबर कर दिए। तो फाइनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। This particular question is from NEET 2024 paper. आपसे कह रहा है इन सब में से किसमें सबसे ज्यादा हीलियम के एटम्स होंगे, तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ हीलियम होंगे उसमें सबसे ज्यादा एटम ऑफ हीलियम होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले सॉल्व अगर मैं करूं फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास 4 मोल ऑफ हीलियम है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कभी भी किसी चीज के निकालना है तो नंबर ऑफ हीलियम अगर आपको निकालना है तो जो भी मोल है ना उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 into Na हो गया। Na मैं लिखता हूँ 6.023 × 10^23 के लिए, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये तो 4 Na एटम्स आपके पास आ गए। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, 4U कह रहा है, तो दैट डजंट मैटर, आपको अगर आप AMU यूनिट में या U लिखते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको 4 मतलब आप मोल निकालने का फॉर्मूला क्या, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके 4/4 हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा हीलियम का। तो ये तो 1 मोल ऑफ हीलियम हुआ, तो यहां से अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो 1 × एवोगाड्रो नंबर, ये तो ऐसा आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड थर्ड पार्ट पे आओगे, थर्ड पार्ट फिर से सेम है, बस अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये भी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दोगे तो, या फिर मोलर मास कह लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लोगे, दिस विल कम आउट टू बी कितना, 1 मोल ऑफ हीलियम। और 1 मोल ऑफ हीलियम इज अगेन दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो 1 × एवोगाड्रो नंबर, तो दैट इज नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 × 10^23। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट क्या है, एसटीपी एनटीपी पे। तो ये आपने फैक्ट पढ़ा होगा कि अगर कभी मोल निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला तय होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और कोई गैस है एसटीपी पे है तो ये भी फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ऐसा भी होता है। 22.4 की जगह पे 22.7 ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं, और जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे भी रखा है 22.7 ले लेना। तो ये आपको दे कितना रखा था, ये दे रखा 2.27108, जिसको अप्रॉक्सिमेटली 2.27 ही बोल दो, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली 2.27 ही बोल दो, डिवाइड बाय 22.7, तो अप्रॉक्सिमेटली तो कट पिट के ये कितना आ जाएगा, 0.1 मोल्स आ जाएगा। और यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स की बात करो, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 0.1 × एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें पकड़ में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको ऑप्शन नंबर
ए में पकड़ में आते हैं, दैट इज फोर टाइम्स द एवोगाड्रो नंबर, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर, आपसे कहता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऐसा लिखा नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा भी कंपाउंड हो सकता है, उसमें कह रहा है कि ए की परसेंटेज है कितनी 32, बी की परसेंटेज है 20, तो बाकी बची हुई परसेंटेज सी की है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और तीनों के एटॉमिक वेट्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि ए का दे रखा 64, बी का 40 और सी का दे रखा 32, तो ऐसे में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म चार्ट सा बना लिया करो। चार्ट में सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम तो इनके सिंबल लिखना, जैसे ए बी और तीसरी चीज क्या है सी, ये तीन चीजें दे रखी हैं आपको। फिर इनकी परसेंटेजेस इनके नीचे लिखना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। परसेंटेजेस देखोगे तो इसकी 32% गिवन है, इसका दे रखा 20% और बाकी बचा हुआ आपका 48% ये है, ठीक है। अब क्या करना, रिलेटिव मोल्स निकालना। रिलेटिव मोल्स कैसे निकलेंगे, ये जो परसेंटेज दे रखा ना इसको थोड़ी देर के लिए इनका गिवन वेट मान लो और इनके मोलर मास से इनको डिवाइड कर दो, दैट इज 32 को डिवाइड कर दो किससे 64 से, और 20 को डिवाइड कर दो 40 से, और 48 को डिवाइड कर दो 32 से, ठीक है जी। ऐसा करके आप क्या करना, ऐसा करके इनके रिलेटिव मोस्ट निकाल लेना। ये रिलेटिव मोस्ट निकालोगे तो इसका कितना आया हाफ आया, इसके रिलेटिव मोस्ट कितने आए हाफ आए, और इसके रिलेटिव मोल 3/2 आया, ठीक है। तो अब क्या करो, अब आप इसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट कि ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये होल नंबर बन जाए, ठीक है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 2 से 2 से 2 से, तो ऐसा करने से ही होल नंबर में आ जाएगा। तो ऐसा करने से यू कैन से कि आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। ये पहले होल नंबर रेशियो निकालो, तो होल नंबर रेशियो निकालोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कितना आ गया, ये तो आपके पास आ गया सीधा सा 1, ठीक है जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी आ गया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दिया ये आ गया 3। तो ऐसा करने से आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आ गया 1:1:3। दैट्स व्हाई आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या आएगा, A1 B1 और C3। तो ऐसा कहीं आपको चार ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो दैट विल बी योर आंसर ABC3। तो ABC3 तो आपको ऑप्शन नंबर B में ये दिख ही रहा है, तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर B ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 पेपर, आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है कि मोलारिटी पता है 1 मोलर, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी पता है 1.25 ग्राम पर ml। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलारिटी, मोलारिटी पता है, मोलारिटी निकालना है, मोलर मास भी दे रखा है आपको सॉल्यूट का, दैट इज 85 ग्राम पर मोल। ओके, सो एक तो सीधा फॉर्मूला होता है, आपने शायद फॉर्मूला सीखा होगा मोलारिटी मोलारिटी का, आपस में सीधा फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला डाल के भी आंसर निकल जाता है। बट ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला रटे भी आंसर आते हैं। जैसे अगर फिलहाल मैं आपसे बात करूं, देखो बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, आपको आप यहां से शुरू कर दो, 1 मोलर लिखा ना, तो 1 मोलर मतलब 1 मोलारिटी। 1 मोलारिटी को कैसे क्रैक कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा कितने के अंदर, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया दैट इज 1000 ml और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया आपके पास कितना, 1 मोल, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ध्यान से सुनते चलें जरा। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या क्या यूज होता है, ऊपर तो यूज होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, और नीचे क्या यूज होता है, नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी फिलहाल मेरे को इस क्वेश्चन में अगर मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाने की कोशिश करूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे को नहीं पता, और ये 1000 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में होगा तो ये 1000 लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी केजी में होगा तो ये 1000 मत लगाना। तो मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता, बट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 1000 ml। तो अगर मैं कहूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने 1000 माना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है 1000 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 है, तो 1.25 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम पर ml, ये ml, ml से ml कट गया, ग्राम में आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना निकल के आता है, दैट इज 1250 ग्राम निकल के आता है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट आप यहां से निकाल लो, आपके पास 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो अगर आपको वेट निकालना तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, ठीक है। तो मोल है 1, मोलर मास क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कितना देर का 85, तो 85 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक तरह से आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आया 85 ग्राम। तो अब सोचो अगर आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1250 है, वेट ऑफ सॉल्यूट 85 है, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आपको क्या होगा, आप कह सकते हो इस टोटल में से 85 को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट WA प्लस WB, तो दैट्स व्हाई WA विल कम आउट टू बी कितना, WS माइनस WB, दैट इज बी 1250 को माइनस कर दो 85 से। ऐसा कर अगर आप करोगे तो दिस विल कम आउट टू कितना, 1165 ग्राम्स, ठीक है। अब ये सब डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर,
ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मुले के अंदर डाल दूं तो मोलैरिटी विल बी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट तो ये लिखा हुआ 1 मोल, तो ऊपर तो 1 लिख दूं, ठीक है जी। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी अभी मैंने निकाला 1165, तो 1165, और ये 1000 एज इट इज रखना, क्योंकि मैंने जो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला वो ग्राम में है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाना पड़ता है। ये सब कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 0.858 मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 पेपर। आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, CO2 का वेट निकालना है प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है आपका, 20% ऑफ 20 ग्राम, तो यहाँ से वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको निकालना हो तो इट विल बी 20% ऑफ 20, मतलब 20% ऑफ 20 ऐसे निकाल दो। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे प्योर लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपके पास 4 ग्राम। अच्छा, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन में दे ही रखी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं तो ऐसा करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, ठीक है। फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई कैन से कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है और इसका 1 मोल बनाता है। क्वेश्चन में किस किस के बारे में चर्चा चल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे रखा है और CO2 कितना बनेगा ये पूछ रखा है, तो इन दोनों के बारे में बात चल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कोई बात ही नहीं चल रही, तो इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि इसका एक मोल बनाता है, तो इसका मतलब इसका इन दोनों के मोल्स आपस में बराबर है, तो आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ऐसा कह सकता हूँ। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसका गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो इसका गिवन मास तो कितना था क्वेश्चन में, 4 ग्राम अभी अभी निकाला हमने ऊपर, इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, दैट विल बी 100, ठीक है। गिवन वेट ऑफ CO2 आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखोगे CO2 का दैट विल बी 44। तो अगर आप इन दोनों को आपस में क्या करते हो, वेट ऑफ कैल्शियम CO2 अगर यहां से निकालोगे दैट विल बी 44 × 4/100, ये आएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी 1.76 ग्राम। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 पेपर। आपसे कहता है ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस फॉर्म में ऑलरेडी आपको गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस, ये एसिड, एसिड प्लस बेस विल सॉल्ट एंड वाटर, साथ में CO2 भी रिलीज होगा, और बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कभी कभी नहीं भी देता है तो वो आपको लिखना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। उसके बाद बता रहा है कि HCl अगर इतना है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर इतना है, तो बताओ व्हाट मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का वेट इनडायरेक्टली कुछ दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में ये है कि जैसे मान लो अगर कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल के अंदर पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, उसके अंदर आप कह सकते हो कि 95% तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, बाकी 5% इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो 95% तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और 5% आपके पास कुछ इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, तो आपसे फाइनली पूछना चाह रहा है कि ये जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट मैं लेके चलूं, मतलब यही ये सैंपल का कितना वेट लेके चलूं, ये जो इम्प्योर है ना, ये इम्प्योर का कितना वेट मैं लेके चलूं सो दैट कि इतने HCl के साथ रिएक्ट कर जाए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं लेट्स से कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं लेट्स से कुछ मान लूं, एक्स मान लूं, तो लेट्स से एक्स इज दी यू कैन से वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल का वेट इतना है जो मेरे को निकालना है क्वेश्चन में, है ना। अच्छा, अब इसमें से प्योर कितना होगा x में से, ना x तो आपके पास क्या है, आपने एक चम्मच दिया x ग्राम इसमें से निकाल लिया, लेकिन उस x ग्राम में कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे, कुछ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो अगर मैं प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो प्योर CaCO3 आपके पास कितना होगा, उसका वेट अगर निकालूं तो दैट वेट विल कम आउट टू बी कितना, यू कैन से 95% ऑफ दिस x, इतने ग्राम आपके पास क्या हुआ, इतना ग्राम आपके पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन के सेकंड हाफ पे आते हैं, क्वेश्चन का सेकंड हाफ क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl विल गिव क्या, CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से यहां से दिख रहा है देखो कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको इसके मोल्स और इसके मोल्स के बारे में कमेंट होगा। देखो अगर 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब है कि इसका गिवन इनके ना मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा करने से मैं बोलूंगा 100
इंटू वन दैट इज 100 ग्राम और ये इसका 2 इंटू 36.5 इसके इतने ग्राम से रिएक्ट करता है। तो ये जो मैंने सबसे पहले सुनो मैंने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, फिर मैंने बोला बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करता है, तो ऐसा करने से मैंने मोल मोल में रिलेशनशिप निकाला, फिर इस मोल मोल के रिलेशनशिप को मैं ग्राम ग्राम के रिलेशनशिप में ले गया कि इसका इतना ग्राम इसके इतने ग्राम से रिएक्ट करता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि इसके कितने ग्राम है, इसके 95x/100 इतने ग्राम आपको गिवन है, और इसके कितने ग्राम गिवन है, इसका अगर वेट निकालना तो इसका वेट आपको इस मोलैरिटी से निकालना पड़ेगा। अब मोलैरिटी से वेट निकालने के लिए सोचो कहीं पे कोने में कर दूं, इधर कहीं कर लेते हैं, चलो दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। अगर आपको मोलैरिटी से वेट निकालना हो HCl का, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यही होता है। तो यहां से अगर मान लो मोलैरिटी आपकी कितनी है, 0.5 है, ठीक है, गिवन वेट मेरे को निकालना है, यहाँ पे आया ये 1000, यहाँ पे आया आपके पास कितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl दैट इज 36.5 और यहाँ पे आया आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 50। तो वेट ऑफ HCl अगर आपको निकालना है तो वेट ऑफ HCl विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल बी यू कैन से 0.5 इंटू 36.5 इंटू 50 होल डिवाइडेड बाय कितना 1000, ये आपके पास आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रख दूं, यहाँ पे रख दूं 0.5 इंटू 36.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये है। ठीक है जी, तो आपको रिलेशनशिप पता लग गया क्या कि आपका 100 ग्राम अगर इतने ग्राम से रिएक्ट करता है तो इतने ग्राम से रिएक्ट करता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आ जाएगा, यू कैन से 100 इंटू 0.5 इंटू 36.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 36.5 इंटू 95 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय ये वाला 100 है। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे, काटापिटी करना, यहां से जीरो काटना, ये दो जीरो से ये दो जीरो काटना, या एक्स निकालना, अगर हमने सब कुछ सही किया है, एक बार कैलकुलेशन में रीवेरीफाई जरूर कर लेना, सब कुछ अगर मैंने सही किया है तो दिस एक्स विल कम आउट टू बी कितना, 1.315 ग्राम्स। ठीक है, जिसको ये कह रहा है कि थोड़ा सेकंड डेसिमल प्लेस तक निकालना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.32 ग्राम। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019 पेपर। आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया को बनाने का प्रोसेस होता है, दैट इज N2+H2 जब आपस में रिएक्ट करके NH3 बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, हेबर्स प्रोसेस। तो बस यही है, सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन लिखोगे तो मैंने क्या बोला, N2 को H2 के साथ रिएक्ट करना और बना देना क्या, बना देना NH3। ठीक है, और बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ लगाना पड़ेगा 3, ये बैलेंस हो गई। उसके बाद आपसे कहता है कि अगर 20 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है तो ऐसे में मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, मतलब इसमें और इसमें आपस में रिश्ता पूछ रहा है। तो सोचो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसका 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन में बस सिंपली आपसे इतना ही पूछ रहा है कि अगर इसका 20 मोल बनाना हो तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा। तो बस जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है, ये तो इजीली हो जाएगा। 3 × 20 डिवाइड बाय 2, 202 काट, 220 काट दो, दैट विल कम आउट टू बी कितना, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021 पेपर। आपसे कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 78% वेट बाय वेट ऑफ कार्बन, रिमेनिंग इज हाइड्रोजन, तो कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, परसेंटेज दे रखी है, इंपीरिकल फॉर्मुला पूछ रहा है। तो मैं इससे पहले भी एक दो बार आपसे बता चुका हूँ क्या, इंपीरिकल फॉर्मुला अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, ऐसा एक चार्ट सा एक कॉलम सा बना लिया करो, सबसे पहले तो लिखो इनके सिंबल कौन कौन चीजें दे रखी है, कार्बन और हाइड्रोजन, फिर क्या लिखा करो, फिर लिखा करो इनकी परसेंटेजेस। इसने बोला 78% अगर ये है तो बाकी दूसरी चीज की परसेंटेज कितनी है, बाकी 100 में से माइनस कर दो, बचा हुआ आपका पास ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बोला कि रिलेटिव मोल्स निकाला करो। मोल्स कैसे निकालूं, ये जो परसेंटेज था इसको थोड़ी देर के लिए गिवन मास मान लो और इनको मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 12 गिवन मास पर मोलर मास, 22 डिवाइडेड बाय कितना हाइड्रोजन का वेट दैट इज 1, तो 22 डिवाइडेड बाय 1 दिस विल गिव यू 22 और 78 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू कितना 6.5। उसके बाद इन दोनों से जो कम नंबर हो ना दोनों को उससे डिवाइड कर दो, तो ऐसा करने से क्या आपके पास लीस्ट रेशियो आ जाता है। तो अगर आपको रेशियो निकालना है इसका तो रेशियो निकालने के लिए इन दोनों से जो भी आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है उनसे दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब 6.5 को
6.5 से डिवाइड कर दो और 22 को भी 6.5 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना 1 और दिस विल कम आउट टू बी कितना 3.3 के आसपास आ जाएगा, जिसको अप्रॉक्सिमेटली मैं 3 के आसपास ही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर 1 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा। दैट्स व्हाई आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 पेपर। आपसे कहता है क्या, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, दैट इज 1.28 ग्राम पर एमएल, सेंटीमीटर क्यूब इज एमएल। तो 1.28 ग्राम पर एमएल, दो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ रखा है, मॉलिक्यूलर मास 40 दे रखा है। एक तो सीधा फॉर्मुला होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक तो सीधा फॉर्मुला होता है, या तो आप फॉर्मुला लगाओ या फिर फॉर्मुला मत लगाओ, फॉर्मुला ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं, बिना फॉर्मुले के भी क्वेश्चन होता है। यहाँ से क्रैक करना, दो मोलर दे रखा है ना, यहाँ से बात करो टू मोलर को मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ दो मोल solute that is NaOH must be present in 1 liter of solution or I can say 1000 ml solution। ठीक है, तो मैंने 1 molar 1 molarity को इस तरह से crack कर लिया। अब आपके पास एक तरह से solute का तो moles आ गए जो कि 2 mole आ गया, और solution का आपके पास क्या आ गया, solution का आपके पास volume आ गया। आप solution का weight निकालो, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 1000 माना हुआ मैंने, 1000 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा 1.28 ग्राम पर ml। अच्छा, ml से ये ml कट जाएगा और ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1280 ग्राम। तो पूरा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1280 ग्राम आ गया। सिमिलरली वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ NaOH भी निकाल दो, वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ इसके मोल्स दे रखे ना, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल तो है 2, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास होता है आपका NaOH का 40 जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 80 ग्राम। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि WB कितना हो गया, 80 ग्राम। और आपको होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहां से अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूं तो दैट वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वो कितना हो जाएगा, 1280 माइनस कर दो 80, तो ये तो सीधा सीधा आ गया 1200 ग्राम। ठीक है, अब आ जाओ, अब सीधा सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे रख देना वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपका ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 भी लगाया था। तो ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 80। ठीक है, ये कितना है, ये है 40। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला, 1200, और यहाँ पे मेरे को 1000 लगाना है, काटा पिटी करना, यहाँ से मोलैरिटी निकालना, दैट मोलैरिटी विल कम आउट टू बी कितना, 1.67 मोलल। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 पेपर। आपसे कहता है इनमें से किसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स मतलब जैसे O2 लिखा है ना, तो O2 के अंदर 2 एटम ऑलरेडी है, तो आपको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे उसको लास्ट में 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएगा। तो अच्छा सुनना ध्यान से, सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए, हमें मोल्स निकालने चाहिए, क्योंकि अगर कभी आपके पास मोल्स आ गए, मोल्स को जस्ट 6.023 × 10²³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। तो इसको क्या कर दो, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना हो तो वो इससे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो पहला टास्क तो ये है कि सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो इसका निकाला, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना 24, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका निकालोगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगा, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास होता 32 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसा करने से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब O2 कितने हैं ये पता लग गए, लेकिन मेरे को तो ये निकालना O कितने हैं, इस वजह से मेरे को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फाइनली तीसरा अगर देखोगे, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 1, मोलर मास आपको पता है 7 है, तो दैट्स व्हाई 1/7 हो गया इनटू एवोगैड्रो नंबर। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपके पास क्या, लास्ट वाला इज योर गिवन मास अपॉन यू कैन से मोलर मास, दैट इज 108 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसा करने से इसके नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो ऐसा करने से मेरे पास सभी के नंबर ऑफ एटम्स आ गए, सबके नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कहां पे दिखाई देंगे, तो वो आपको 1/7 वाले पार्ट पे दिखाई देंगे, तो 1/7 विल बी योर आंसर। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर। आपसे कह रहा है कि दो एलिमेंट है एक्स और वाई, उन दोनों से कोई कंपाउंड बन रहा है, एक कंपाउंड तो बन रहा है XY2 और एक बन रहा है आपका X3Y2। और कुछ कुछ हिंट्स दे रखे हैं, हिंट क्या दे रखा है, 1.1 मोल ऑफ XY2 एंड XY2 दो बार लिख दिया इसने गलती से, तो इसको काट देना, ये वाला पोर्शन काट दो,
ठीक है, यहां से ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को, बोलो 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू वेइंग 10 ग्राम और 0.05 मोल ऑफ एक्स थ्री वाई टू वेइंग 9 ग्राम, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके ठीक है, आसान है। देखो एटॉमिक वेट को मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स के एटॉमिक वेट को एक्स मान लेता हूँ, वाई वाले के एटॉमिक वेट को वाई मान लेता हूँ। तो सोचो पहला पार्ट क्या दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है एक्स वाई टू के बारे में, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी चीज आपको एक्स थ्री वाई टू के बारे में दे रखी है। आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मुला तो याद ही है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। इसका गिवन मास कितना दे रखा है, इसका गिवन मास दे रखा है 10, और इसका सॉरी इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं आपको कितने, 0.1, ठीक है, तो इसको रख दो 0.1। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास आपको 10 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं इसका निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, x अगर इसका है तो y इसका, 2y इसका है, तो दैट विल बी x प्लस 2y, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x और y में एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन बनाओगे तो दूसरा इक्वेशन सिमिलरली मैं कहूं नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दिस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 0.05। गिवन वेट कितना गिवन है, गिवन वेट आपको 9 ग्राम गिवन है। इसका मोलर मास अगर निकाल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो दैट वुड बी 3x प्लस 2y, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y फाइंड आउट करना दोनों इक्वेशन में से, ये तो आपने सीखा ही होगा है ना। तो इक्वेशन टू वेरिएबल है, दोनों x और y निकाल लो, तो ऑन सॉल्विंग x विल कम आउट टू बी कितना 40 और y विल कम आउट टू बी कितना 30, ठीक है। ये थोड़ी सी मेहनत करना है अपने आप निकालना, तो 40 और 30 दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर। आपसे कहता है क्या है, आपके पास एक तो फॉर्मिक एसिड है और एक ऑक्सैलिक एसिड है। अच्छा ठीक है, दोनों को एक साइड पे लिख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, ठीक है, और आपका ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4, ठीक है। दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेना, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास विल कम आउट टू कितना 46, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो इसका मॉलिक्यूलर मास विल कम आउट टू 90। तो दोनों के मोल्स अगर निकाल लो, गिवन मास तो क्वेश्चन में है ही ना, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2.3 डिवाइड बाय 46 करके इसके मोल्स निकल जाएंगे, वो कितने दे रखे हैं 1/20। अच्छा ठीक है, सिमिलरली इसका गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करके इसके मोल्स निकाल लेना, इसका मोल्स कितना दे रखा है, गिवन मास इज 90, गिवन मास कितना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन मास आपको दे रखा है कितना 4.5, ठीक है। तो इसका गिवन मास इज 4.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज कितना 90, तो ये भी कितना आ गया, ये भी कट पिट के आ जाएगा 1/20। तो आपके पास दोनों ही चीज के 1/20 मोल्स गिवन है, इसके भी 1/20 मोल्स, इसके भी 1/20 मोल्स। अगर आप दोनों का इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाता है कुछ कुछ बच्चों से, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बच्चों ने ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे आगे चल के रिएक्शंस पढ़ाई जाती है। जैसे फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन पढ़ाई जाती है कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड कभी पड़ा हो और आप इसका रिएक्शन अगर H2SO4 से करा दो, तो H2SO4 अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो पानी निकाल लेता है, तो इसमें से इस तरह से ये H2 को लॉस करा देगा, ये H2 निकल जाएगा और यहां से बन क्या जाएगा, यहां से बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, ये रिएक्शन चल रही है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे में, दूसरे के बारे में अगर बात करूं तो वो भी ऐसे सिमिलर टाइप रिएक्शन होती है, उसमें भी ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है COOH, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, दो COOH आपस में जुड़े हुए होते ना, तो इसमें भी अगर आप H2SO4 से रिएक्शन करा तो फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी को लेकर चला जाता है, ये पानी को तो वो लेकर चला जाएगा और साथ में क्या छोड़ देगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ के प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्रोडक्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी, और ये पानी को तो वैसे H2SO4 लेके चला जाता, तो इस पानी को काउंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको देखूं ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं सीधा सीधे कह सकता हूं कि भाई इसका एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है, तो ऑब्वियसली अगर इसका 1/20 मोल यूज करूंगा तब ये 0-0 होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो इसका 1/20 मोल बन जाएगा, इसका 1/20 मोल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बात बोलूं कि इसका वन एक मोल से इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल बनता है, तो इसका अगर 1/20 यूज करूंगा तो जब ये 1/20 खत्म हो जाएगा तो उस वक्त इसके भी कितने बन जाएगा, 1/20 मोल्स बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1/20 मोल्स बन जाएगी और पानी भी 1/20 मोल्स बन जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको अभी अभी एक बात बोली कि H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से वो पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी तो यहाँ से चला जाएगा, पानी चला गया, पानी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब बचा क्या, बचा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक और हिंट है, उस हिंट में भी बच्चे फंस सकते हैं अगर ये बच्चों को ना पता हो कि KOH क्या काम करता है। तो KOH एक्चुअली में क्या करता है, KOH एब्जॉर्ब करता है, इट विल एब्जॉर्ब CO2, ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को, तो CO2 कितनी है, CO2 तो आपकी 1/20,
तो 1/20 CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिमेनिंग गैसेस आफ्टर दिस KOH आपके पास कितनी बची, तो रिमेनिंग गैस कितनी बची, रिमेनिंग गैस ये वाली आपके पास कार्बन मोनोक्साइड बची और ये वाली कार्बन मोनोक्साइड बची। तो मतलब आपके पास रिमेनिंग गैस में कौन बचा, रिमेनिंग गैस में पहली बात तो आपके पास कार्बन मोनोक्साइड बचा और वो भी कितनी बची, वो भी 1/20 प्लस 1/20 मोल्स बचा। ठीक है, तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, 1/10 मोल्स। ठीक है, तो ये 1/10 मोल्स आ जाएगा। और यहां से अगर मेरे को वेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड निकालना हो तो वो क्या होगा, वो होगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल्स को कितना है 1/10, मोलर मास कार्बन मोनोक्साइड का कितना होता है 28, दैट्स व्हाई इट विल कम आउट टू बी कितना, 2.8 ग्राम्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 2.8 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ने से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। पहले तो उसने कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व कराई, फिर उसके बाद ये KOH वाला हिंट दिया, इसको बोलती है यूडोमेट्री। यूडियोमेट्री अगर आपने कभी सुना हो तो यूडियोमेट्री वाला टॉपिक पढ़ना, यूडियोमेट्री में आपको ये सब सिखाया जाता है कि कौन कौन सी चीजों को डालने से कौन कौन सी गैसेस अब्सॉर्ब हो जाती है। तो KOH को डालने से CO2 अब्सॉर्ब हो जाती है, दिस इज अ फैक्ट, आज के बाद इस बात को याद रखना। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर, आपसे कहता है कि इनमें से किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कह रहा ना द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। अच्छा, इन चारों चार लिखे हुए, चारों में से किस में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजर आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया करो, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पे कमेंट कर लो, जैसे पहले वाले पार्ट का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18/18। एक यहाँ पे छोटी सी बात और है कि पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट यू कैन से 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 1 ग्राम पानी के अंदर 1 ml होता है, तो मैं ग्राम को सीधा सीधा ml में और ml को सीधा सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इस 18 ml को मैं 18 ग्राम भी मान सकता हूं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 18/18 दैट इज गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, दैट्स व्हाई मोल्स ऑफ पानी कितना हो गया 1 मोल। और यहाँ पे नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल निकालने हैं तो दैट विल बी 1 into Avogadro नंबर। तो पहला पार्ट से तो इतना आया, दूसरे पार्ट से निकालोगे तो दूसरा पार्ट कितना है 0.18, यहाँ पे लिखा नहीं है, शुड बी ग्राम। ठीक है, तो इट विल बी 0.18 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, दैट विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू बी यू कैन से 0.01। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो दैट विल बी 0.01 into Avogadro नंबर। ठीक है, ये पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट आपसे क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे ऑलरेडी, तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स अगर ऑलरेडी गिवन है फिर तो बस आपको क्या करना है, Avogadro नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, जैसे 0.01 था तो ये हो गया 0.001 into Avogadro नंबर। लास्ट पार्ट क्या हो गया, लास्ट पार्ट आपको दे रखा है कि 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स है एट STP। STP NTP पे नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 कर देना अगर लीटर में कैलकुलेशन चल रही है। तो ऐसा करने से इट विल बी 0.00224 डिवाइड बाय 22.4, ऐसा करने से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, दैट नंबर ऑफ मोल्स विल कम आउट टू बी 10^-4। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो इतने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 10^-4 इंटू Avogadro नंबर, ये हो गया। तो आउट ऑफ ऑल फोर ऑप्शन अगर आप चेक करोगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ, दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ मास प्रेसिपिटेटेड व्हेन इतना ml इतना परसेंट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इतना ml इतना परसेंट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज मिक्स्ड। ओके, सबसे पहले तो इस बात को क्रैक करो, ये जो लिख रखा है इसको क्रैक करते हैं, यहाँ से वेट निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये जो परसेंटेज है ये क्या कह रहा है, आपको वेट निकालना है, ये वॉल्यूम है और परसेंटेज दे रखिए, तो ये क्या होगा, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आई होप आपको पता हो क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दूं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है। तो अगर मैं सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पहला पार्ट इसको अगर सब्सिट्यूट करता हूँ तो यहाँ से वेट ऑफ AgNO3 निकालूंगा, तो वेट ऑफ AgNO3 निकालने के लिए मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँ कितना 16.9, और ये वेट ऑफ AgNO3 यहाँ से निकालूँ, वेट ऑफ AgNO3 यहाँ से निकालूँ, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 50, और इसको रख दूँ कितना 100। तो 16.9 को आप 50 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 100 करना, यहाँ से आपके पास वेट ऑफ AgNO3 आ जाएगा। तो दिस वेट ऑफ AgNO3 इज कमिंग आउट टू बी कितना 8.45 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मोल ऑफ AgNO3 निकाल देना, मोल ऑफ AgNO3 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इसका गिवन मास जो कि मैंने अभी भी निकाला 8.45
4.5 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट मॉलिक्यूलर मास इज कमिंग आउट टू बी कितना वो आपको निकालना पड़ेगा शायद। AgNO3 में Ag तो होता है 160.8, ठीक है। N नाइट्रोजन होता है 14, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, दैट्स वाई आप कह सकते हो 3 × 16। तो ये कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन करने से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, वो आ रहे हैं 0.049 कुछ आएगा, ठीक है। सिमिलर काम आप दूसरे के साथ भी करो, दूसरी चीज के साथ भी। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज आपको गिवन है NaCl। NaCl के लिए साथ भी अगर सेम कैलकुलेशन करूंगा तो परसेंटेज कितनी दे रखी है 5.8, ठीक है 5.8 लेना। और वेट आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 50 है और ये 1000। तो ऐसा करने से क्या करना ना, यहाँ ऐसा करने से वेट ऑफ NaCl आप निकाल लेना। वेट ऑफ NaCl जब आपने यहाँ से निकाला तो दिस वेट विल कम आउट टू बी कितना 2.9 ग्राम, ठीक है। इस 2.9 ग्राम से मोल ऑफ NaCl निकाल लेना। मोल ऑफ NaCl निकाल लोगे तो क्या आएगा, 2.9 दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास आपका यू कैन से 35.5 तो होता है आपका क्लोरीन का 35.5, और सोडियम का होता है कितना 23। तो ये कैलकुलेट करने पे ये भी लगभग आ जाएगा, इतना सेम ही आ जाएगा 0.049 मोल्स, ठीक है। तो दोनों के मोल्स आपको पकड़ में आ गए। अब तीसरी बात पे आते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन की तीसरी बात यह है कि ये दोनों चीजें अगर आपस में रिएक्ट करती हैं, AgNO3 जब भी कभी NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा करने से AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और आपका NaNO3 सेपरेट आउट हो जाता है, NaNO3 चला जाएगा, AgCl सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये बस आपसे यही पूछा है कि प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, मतलब AgCl कितना बनेगा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसका 0.049 रिएक्ट कराओगे, इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करेगा, इसका एक मोल बनाएगा, तो 0.049 से रिएक्ट कराओगे तो इसका भी 0.049 रिएक्ट करेगा और इसका 0.049 मोल्स दे देगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गए, आपके पास मोल्स ऑफ AgCl आ गए। अगर आपको वेट ऑफ AgCl निकालना, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, दैट विल बी क्या, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल तो है 0.049, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जी, मॉलिक्यूलर मास Ag का तो कितना होता है 107.8 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। तो ये कैलकुलेशन कर देना, इस कैलकुलेशन को करने के बाद यू विल गेट योर आंसर, दैट आंसर विल कम आउट टू बी कितना, एक बार रीवेरीफाई जरूर कर लेना मेरे कैलकुलेशंस को, तरीका मेरे से सीखो, कहीं पे कोई गलती दिखे तो रीवेरी मतलब कैलकुलेशन को खुद से करके दोबारा से भी करके देखना। तो ये आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली 7.02 समथिंग, जिसको अप्रॉक्सिमेटली 7 के आसपास मान सकते हैं। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर। आपसे कहता क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द ऑप्शन। अच्छा ठीक है, सारे ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास ज्यादा होंगे। तो आप क्या करो, आप सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। जैसे पहले ऑप्शन के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास पर मॉलिक्यूलर मास, तो 1.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इज 18, दैट्स व्हाई इट विल कम आउट टू बी कितना 0.1, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू 0.1। तो यहां से अगर आपको निकालने हो क्या, आपको अगर निकालने हो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अगर आपके पास मोल्स आए हुए हैं, जस्ट मोल को क्या करा करो, मोल को एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023 × 10^23, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो कोई मेरे से पूछे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 0.1 × 6.023 × 10^23 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यू कैन से 6.023 × 10^22, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के आई, तो पहले ऑप्शन में तो इतने पार्टिकल निकल के आए। दूसरे ऑप्शन में देखो तो दूसरे ऑप्शन में कितने पार्टिकल्स निकल के आएंगे देखना। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, सेकंड ऑप्शन में आपके पास 18 ग्राम पानी है, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब 18 × 18 कर दो, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 मोल। अगर 1 मोल है तो इसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 1 × 6.023 × 10^23, तो ये तो आपके कितने सीधे सीधे एवोगाड्रो नंबर ही आ गए, ठीक है। अगर अगली बात पे चलें तो दैट इज 18 मोल्स ऑफ वाटर, इसमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है, आपको मोल निकालने नहीं है, 18 मोल गिवन है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मोल्स गिवन है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है, तो इसको बस 6.023 × 10^23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गए आपके थर्ड ऑप्शन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ तो लास्ट वाले ऑप्शन में डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे ही रखे हैं, तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हर बार में तो मोल्स आपको पता होते थे, यहाँ तो मोल पता थे, वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, बट इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो आपको बस ये कंपेयर करना है आउट ऑफ दिस 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 चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 18 × एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 18 × 6.023, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर। आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है कि Mg को O2 के साथ रिएक्शन कराओ,
तो ये रिएक्शन तो फेमस रिएक्शन है, ये आपसे उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको ये रिएक्शन आने चाहिए। दैट इज Mg को अगर O2 से रिएक्शन कराओगे तो Mg का ऑक्साइड दैट इज MgO बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो मेरे को यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो ऐसा करने पे आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या दिखा आपको, दिखा कि इसका दो मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है और इसका दो मोल बनाता है। जैसा कि सीधा सीधा मेरे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है, यहाँ दो दिख रहा है, यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ पे दो दिख रहा है। तो ये तो हो गया इन तीनों का आपस में मोल 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 का रिलेशनशिप। अगर आपको ग्राम ग्राम का रिलेशनशिप चाहिए तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस से मल्टीप्लाई कर दो, या मोल मास कह लो या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि Mg का यहाँ पे क्वेश्चन में देखा 24, तो 2 × 24 इसका इतना ग्राम, एक्चुअल में इसका 1 × ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट 32, तो इसके इतने ग्राम से रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास विच ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा बचेगा कौन सा कम, ये पूछ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लो, दूसरे को मिसिंग मान लो। जैसे कि मान लो मैं किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, जैसे मान लो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.56 इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको मिसिंग मान लिया, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना इसको मिसिंग मान लेना। जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो इसको अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वेट कि 0.56 से रिएक्ट करने के लिए कितना Mg चाहिए। तो वो अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा 2 × 24 × 0.56 / 32। तो ये मेरे पास कैलकुलेट करने पे कितना आया, ये मेरे पास कैलकुलेट करने पे आया कि 0.56 ग्राम ऑफ O2 से कितना Mg रिएक्ट करेगा, दैट विल 0.84 ग्राम रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन में रीवेरीफाई जरूर कर लेना, मतलब तरीके मेरे से सीखो बट फिर भी कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेना। ठीक है, तो 0.84 ग्राम मेरे पास यहाँ पे Mg निकल के आया। अब क्वेश्चन में दे कितना रखा था 1 ग्राम Mg, तो ऑब्वियसली अनरिएक्टेड कितना पड़ा रहेगा। मैं आपसे कहूँ कि Mg लेफ्ट Mg कितना पड़ा रहेगा, आप इस 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो 0.84 को, तो दिस विल कम आउट टू बी कितना 0.16 ग्राम्स। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कौन सा, ऑप्शन नंबर, यू कैन से ऑप्शन नंबर ए है ना, Mg बचा रह जाएगा और 0.16 ग्राम आपके पास ये लेफ्ट होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है आपके पास गिवन डाटा क्या है। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। H2 आपको दे रखा है कितना 22.4 लीटर। STP पे है तो STP पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये भी होता था, आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला इज मोल इज इक्वल टू यू कैन से गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 22.4 लीटर आपको दे रखा है और 22.4 से आपने डिवाइड किया तो ये तो एक मोल आ गया। तो पहली बात क्या पता चली आपको, ये पता चली कि H2 के मोल्स आपको कितने गिवन है, H2 के आपके पास एक मोल गिवन है। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन के मोल्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको निकालता हूँ, दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 करूंगा, तो ऐसा करने से आपके पास हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 मोल्स इसके गिवन है। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया कि दोनों के कितने कितने मोल्स गिवन है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूं तो H2 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो ऐसा करने से 2HCl बनाता है। ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई कैन से कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप इसका एक मोल लेते हो, ठीक है, तो इसका भी एक मोल चाहिए होगा, लेकिन दे रखा है इसका 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका लिमिटेड एजेंट हो गया। मैं फिर से बोलूं, मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से, मैंने बोला क्या, मैंने बोला अगर मैं इसका एक मोल लेता हूं तो इसका कितना रिक्वायर्ड है, इसका एक मोल रिक्वायर्ड है, तो मैं बोलूं 1 मोल इज रिक्वायर्ड बट गिवन इज कितना 0.5 मोल, दैट वाज Cl2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट फॉर्म, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि प्रोडक्ट कितना बना, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन दी लिमिटेड रिएजेंट, विल नेवर डिपेंड अपॉन दी एक्सेस रिएजेंट। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि आपसे HCl पूछ रहा है HCl कितना बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करो क्लोरीन पे और दे HCl पे, इससे आंसर आएगा। इन दोनों को देखो, अब H2 को भूल जाओ, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल ओनली डिपेंड अपॉन लिमिटेड रिएजेंट, विल नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेस रिएजेंट। तो इन दोनों का रिलेशनशिप जब आपस में आपने निकाला तो इसके एक मोल से इसका दो मोल बनता है। क्वेश्चन में इसके कितने रखे हैं, क्वेश्चन में इसके 0.5 मोल्स दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका कितना बनेगा नहीं निकाल सकते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात आ गई। ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो HCl आपके पास कितना बन रहा है, वो आपके पास कितना निकल के आया, 2 × 0.5 / 1, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू यू कैन से 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म्ड, बट आपको क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है, मोल्स में दे रखा तो अच्छी बात है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म्ड। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता क्या, इक्वल वेट ऑफ H2, O2 एंड मिथेन आर हैज बीन टेकन इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। अच्छा, तो तीनों का वेट बराबर है, लेट्स से तीनों का वेट जो बराबर है उसको मैं W ग्राम मान लेता हूँ, तीनों W ग्राम है।
फिर कह रहा है कि टेम्परेचर तीनों का 27 डिग्री सेल्सियस पे ले रखा है इन आइडेंटिकल कंडीशन। ये भी सही बात है, 27 डिग्री सेल्सियस को बोलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर होता तो ये मिथेन और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके, मे भी शायद दोनों आपस में रिएक्ट करके कंबशन रिएक्शन कर लें, बट अभी लोअर टेम्परेचर दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो अभी आप कंबशन वाले रिएक्शन को मत मानना, ये रिएक्शन नहीं होगी, आप इन तीनों को इनर्ट ही मान के चलो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो गैसियस स्टेट चैप्टर करके एक चैप्टर पढ़ोगे आप, स्टेट्स ऑफ मैटर करके, उसमें आप एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ोगे, जहां पे आप ऐसा पढ़ोगे जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैं अगर मोल का रेशियो निकाल दूं तो वही एक तरह से वॉल्यूम का रेशियो बन जाएगा। तो सोचो अगर मैं तीनों के मोल्स निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी क्या, गिवन मास अपॉन इसका मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होगा, इसका गिवन मास अपॉन इसका मॉलिकुलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन क्या होगा, इसका गिवन मास अपॉन इसका मॉलिकुलर मास, तो इसका गिवन मास इज W, मॉलिकुलर मास ऑफ मिथेन इज 16। अब इनका अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो ये जो रेशियो आएगा इसको वॉल्यूम का रेशियो भी बोल सकते हैं। तो W/2 यू कैन से इज टू, यू कैन से W/32 इज टू, इट इज W/16, ठीक है, ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है। इस रेशियो को अगर इस रूप में लाने की कोशिश करें तो क्या करें, पहले तो तीनों को W से डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/32 हो जाएगा, और ये आपका 1/16 हो जाएगा। अब क्या करो, ऐसे नंबर से डिवाइड करो सो दैट कि आपके पास ऐसा मान लो मैक्सिमम जो भी नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर है ना, इस हाईएस्ट नंबर से तीनों को डिवाइड कर दो, दैट विल मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 32/2 इज टू 32/32 इज टू यू कैन से 32/16। ऐसा करने से क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो आपको पास मिल जाएगा, इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 16, इसको काटोगे तो 1 और इसको काटोगे तो 2, दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा 16:1:2, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2015 पेपर। आपसे कहता क्या है कि आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग H2 एंड O2 इन दी रेशियो 1:4 वेट बाय वेट रेशियो है, दोनों का जो वेट है ना उसको 1:4 मान के चले। तो उस हिसाब से अगर H2 को अगर मैं मान लो x ग्राम मान लेता हूँ तो O2 मेरे पास कितना आ जाता है, O2 मेरे पास 4x ग्राम्स हो जाता है, ठीक है जी। तो अगर इनको डिवाइड करूँ तो 1:4 आ जाएगा ना, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये x ग्राम है तो 4x ग्राम है। तो व्हाट इज द मोलर रेशियो, दोनों के मोल्स अगर निकालूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मेरे को निकालना है, ये आपको करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसे निकालना तो मोलर रेशियो, इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, इसका गिवन मास अपॉन इसका मॉलिकुलर मास, इसका गिवन मास इज कितना 4x डिवाइड बाय इसका मॉलिकुलर मास, इसका मॉलिकुलर मास इज 32, ठीक है ना। तो ऐसा करने से पहले तो क्या करो, दोनों को x से मान लो डिवाइड कर दिया तो ये 1:2 हो गया और ये आपका क्या हो गया 4:32 हो गया, ठीक है। दोनों को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 32:2 तो ये तो 32 से 32 कट गया, ये तो 4 ही आ गया, तो यहाँ पे तो 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, दैट्स व्हाई आंसर आपके पास क्या आ रहा है 16/4। इसको भी फर्दर काटोगे तो दैट विल गिव यू 4:1, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 4:1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2013 नीट पेपर। तो इसमें आपको कह क्या रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया के बता रखे हैं आपको, और क्या कह रहा है, और आपके पास 100 ml सॉल्यूशन कह रहा है और आपसे कह रहा है मोलारिटी निकाल के दिखा दो, निकल जाएगी। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स पकड़ने की कोशिश करो, आपको पता है किसी भी चीज का जब एक मोल होता है तो वो होता है कितना 6.02 × 10^23। अभी फिलहाल अगर मेरे पास 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसे में उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने हो तो कैसे निकालूं, वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना 6.02 × 10^20 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^23। तो दीज नंबर ऑफ मोल्स विल कम आउट टू बी कितना 10^-3 मोल्स। तो आपके पास आपको इतना पता लग गया नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10^-3 मोल्स हैं। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास, या फिर ऐसा कह लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये वॉल्यूम सॉल्यूशन ml में है तो यहाँ पे 1000 भी लगाना, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 10^-3, ये हो जाएगा आपके पास, ये 1000 ये हो गया, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दूँ जो कि कितना हो गया, जो कि 100 हो गया। तो ये 10^-3 से 10^-3 ये तो आपस में कट ही गया 10^-3 से, यहाँ 1000 तो कट ही जाएगा, तो ये रह जाएगा, दैट्स व्हाई मोलारिटी विल कम आउट टू बी कितना 0.01 मोलर। That's why answer for this question must be option number D only. This particular question is from NEET 2013 paper. आपसे कहता क्या है, आपके पास ये जो
चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनको मैं क्लोराइड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं उनकी मोलारिटी उसने दे दी आपको, कह रहा है उसकी जो मोलारिटी है, ये जो आपके पास क्लोराइड है इनको बोल देता हूँ क्लोराइड, ये जो क्लोराइड्स हैं इनकी मोलारिटी कितनी है, इनकी मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मुला कहता है नंबर ऑफ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो दोज विल कम आउट टू 0.05 × 10, अभी इतना ही रहने दो, ये मिलीमोल्स मान लेता हूँ इसको, तो दीज आर इक्वल्स टू नथिंग बट यू कैन से 0.5 मिलीमोल्स, तो कोई बात नहीं हम क्वेश्चन को मिलीमोल से डील कर लेंगे, ठीक है। तो इतने मिलीमोल्स आए, बाकी मोल्स में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 1000 भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, और जो AgNO3 है वो भी फिक्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है, वो है आपके पास यू कैन से 0.1 × 10, तो दोज आर नथिंग बट यू कैन से 1 मिलीमोल, ओके, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर मान लो आपको पहला ऑप्शन करने की कोशिश करो, तो Cl2 और इसको अगर रिएक्ट कराऊंगा AgNO3 से, तो AgNO3 में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये Ag+ आयन जो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जो Cl- आयन निकलेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके AgCl बना लेते हैं, तो ये AgCl बनाएंगे, ठीक है जी। और साइड में यहाँ से जो X निकलेगा और जो NO3 निकलेगा वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, XNO3 बन जाएगा, तो दिस विल गिव यू XNO3, ठीक है। बाकी अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और X को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं सारी रिएक्शन एक बार लिख दूं, जरा जल्दी जल्दी फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे XCl2 इसको रिएक्ट कराओगे AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो आपके पास यहाँ के Cl है और यहाँ का Ag आपस में रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, और साथ में यहाँ का जो X और NO3 है वो आपस में रिएक्ट होगा। लेकिन इस बात को ध्यान देना, यहाँ वाला X आपका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसलिए मैंने जब यहाँ पे रिएक्शन कराया तो प्लस वन ये होता है, NO3 वन माइनस होता है, तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो डायरेक्ट कंबाइन हो गया। लेकिन ये वाला अगर X देखोगे तो इट वॉज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जब कंबाइन होगा तो यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दी नाइट्रेट क्या बनेगा, नाइट्रेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला बनेगा आपका XNO3 होल ट्वाइस, ऐसा बनेगा XNO3 होल ट्वाइस। इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और शायद ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है, हो गई। सिमिलरली अगर आप XCl4 की रिएक्शन कराते हो 2AgNO3 से, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने से आपके पास AgCl बन जाएंगे, ठीक है। 2 तो खैर देखना पड़ेगा बैलेंसिंग, तो इसे 2 को हटा दो अभी, AgCl बन जाएगा। और साथ में इसको जरा ध्यान से सोचो, ये क्या है, ये प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और NO3- क्या होता है, माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा तो वो क्या बनेगा, XNO3 होल 4 ये बनेगा। तो इस NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, Ag को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा, और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है जी। सिमिलरली जब आप लास्ट रिएक्शन करोगे तो X2Cl लोगे, X2Cl को जब आप AgNO3 से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे AgCl बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में क्या आएगा, साइड प्रोडक्ट में आपके पास यही बन जाएगा X2NO3, ठीक है। ये देखो ना, ये आप ऑब्जर्व करो, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पे XCl2 बना तो यहाँ पे NO2 होल ट्वाइस हो गया, यहाँ पे Cl4 था तो ये NO3 होल 4 हो गया, तो ये X2Cl था तो इसको X2NO3 बोल दिया। सिमिलरली इसको भी आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसको और करके X2NO3 होल ट्वाइस ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जैसा आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ना, लास्ट वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उसी तरह से लिख देना, ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। अच्छा, फाइनली आपको इनको कंपेयर करना है, तो आप इन चारों रिएक्शन से आप कंपेयर करके देख सकते हो। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिख रहा है कि इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करता है, तो अगर इसका 0.5 मोल्स होता, इसका 0.5 मोल्स होता, तो इसका कितना रिक्वायर्ड होता, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1 मोल या फिर 1 मिलीमोल्स ही आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अगली बात, ये फिर से सेम कैलकुलेशन है, एक मोल से दो मोल रिएक्ट होता है, इसका अगर 0.5 लूं तो ये कितना होगा, इसको चेक किया तो ये भी कितना, ये भी आपका 1 मोल आ रहा है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगला, अगर आपके पास ये एक मोल है, इसका एक मोल अगर इसके 4 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 0.5 इसके कितने से रिएक्ट करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालोगे तो 2 मोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि इसका 0.5 इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो 0.5 से 1 मोल को रिएक्ट कराना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका अगर 0.5 होगा तो इसके कितने, इसके भी 0.5 मोल के मोल्स के साथ ही ये रिएक्ट करेगा, दैट्स वाई ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, आंसर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है,
अभी तो जितना मैं सोच पा रहा हूँ उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों ही मैच कर सकते हैं, दोनों में से दोनों ही आंसर इसको एक्सेप्ट करने चाहिए थे। एक बार आप जरा ऑफिशियल आंसर की निकाल के देखना, उसने इन दोनों में से कौन सा आंसर दिया था। मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा कि दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, अगर दोनों ही स्प्लिट होंगे तो ये स्प्लिट होकर एक्चुअली में आपके पास क्या बना देगा, ये एक्स टू टू प्लस अगर बनाता है तो यहाँ से दो सी एल माइनस आइन जनरेट होंगे, और ये भी अगर आपका स्प्लिट होगा तो ये अगर एक्स टू प्लस में स्प्लिट होता है तो ये आपका दो सी एल माइनस आइन ये भी जनरेट करेगा। तो उसके हिसाब से तो दोनों से ही स्टोशियोमेट्री आपकी सेट बैठ रही है। मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर सही बैठ रहे हैं, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 मेंस पेपर। आपसे कहता है कि इन चारों में से बताओ किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो बस जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। आप सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर निकालोगे तो दैट विल बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है, दैट्स व्हाई यहां पे तो ये एक मोल निकल के आया पहले का। सिमिलरली दूसरे का अगर निकालोगे तो ओजोन, ओजोन में भी अगर देखोगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 48 होता है, इस वजह से ये भी एक ही मोल निकल के आया, ठीक है। अगला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 2 होता है, दैट्स व्हाई ये कितना निकल के आया, ये आपके पास 4 मोल निकल के आया। और लास्ट वन अगर मैं कहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अगर निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका गिवन मॉलिक्यूलर मास भी 64 ही होता है, जिसकी वजह से ये एक मोल निकल के आया। तो आपसे ये पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, ऑब्वियसली जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 का। तो आपसे कहता है क्या, Na2CO3 है जो कि 25.3 ग्राम्स है, ठीक है, और इसमें आपसे कहता है कि अगर इसको 250 ml सॉल्यूशन में डाल दिया और ये टूट गया और इसमें सोडियम प्लस आयन बनाया और कार्बोनेट आयन बनाया, तो सोडियम और कार्बोनेट की मोलारिटी कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ना, इफ दी डिसोशिएट कम्प्लीटली डन व्हाट इज दी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, ठीक है। देखना, सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना होगा, वो होगा इसका गिवन मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इज 25.3, मोलर मास आपको 106 दे रखा है, इसको 106 से डिवाइड करना, तो दिस विल गिव यू क्या, दिस विल गिव यू 0.2386 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पॉइंट के बाद आप दो डिजिट तक भी ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। फिलहाल आपको क्या पता है, आपको पता है जब ये Na2CO3 टूटता है तो कैसे टूटता है, ये टूटता है ट्वाइस ऑफ Na+ और कार्बोनेट आयन CO3 टू माइनस आयन में। तो ऑब्वियसली बात है कि ये अगर मान लो 0.238 होगा तो जब ये टूटेगा तो ये ट्वाइस ऑफ 0.238 होगा और ये कितना होगा, ये 0.238 मोल होगा, ठीक है, 0.238 मोल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स आ गए, दोनों की मोलारिटी निकाल दो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलारिटी का फॉर्मूला होता था अगर आपको मोलारिटी ऑफ Na+ आयन निकालना है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सोडियम प्लस आयन्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml जो कि 250 ml है, इनटू 1000, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम करना, मोलारिटी निकालना इस कार्बोनेट आयन की, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.238, वो हो गए आपके इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 250, सॉरी प्रॉपरली लिख देते हैं एक बार, जो कि है 250 इनटू 1000, ठीक है। 1000 इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि 250 ml में उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये काटा पीटी करके इसको सॉल्व करके देखना, ये आंसर आ जाएगा 0.955 मोलर, ठीक है। तो ये मोलारिटी आ गई आपकी कार्बोनेट आयन की, और इसको जब आप रखो 2 × 0.238 × 1000 डिवाइडेड बाय 250, जब ये सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1.9 ऐसा कुछ आएगा, दैट विल बी 1.909 ये सब आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1.91 ही बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका 1.91 मोलर। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कितना, कार्बोनेट आयन तो इतने आ रहे हैं और आपके पास सोडियम आयन इतने आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इन दोनों की मोलारिटी विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010, दैट इज 2010 का क्वेश्चन है। देखना, आपसे कह रहा है कोई ट्रायटोमिक गैस है, ट्रायटोमिक गैस जैसे मान लो ओजोन होती है, O3 एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया मैंने, वैसे इसने बोला नहीं है ओजोन है, एग्जाम्पल मान लिया मैंने, ट्रायटोमिक गैस है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 0.1 मोल्स इसके पड़े हुए हैं तो ऐसे में बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो सोचो जब ओजोन टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन एटम्स बनाएगा, ये O है, ठीक है, इसको 30 मत मानना, ये मैंने लिखा कि ये जब टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन एटम्स बनाएगा, ठीक है जी।
तो अगर पहले तो इसके मोल्स निकाल लूं, अगर मान लो मैं ओजोन के या फिर इस जो भी ट्राइटोमिक गैसेस के अगर मोल्स निकालूं, तो मोल्स तो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूं तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मेरे को निकालने हो तो वो ये है कि इस मोल्स को मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से, और ऑब्वियसली एक पार्टिकल अगर तीन पार्टिकल्स में टूट रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर तीन एटम्स में टूट रहा है, तो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई भी करना, दैट्स वाइज इट विल कम आउट टू बी कितना 0.1 × 6.02 × 10^23, जो कि आपको दे रखा है एवोगाड्रो नंबर को इतना मान के चलना, और यहाँ पे तीन से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने से 0.3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6.02 से, दैट्स माय आंसर विल कम आउट टू बी कितना, आंसर विल बी 1.806 × 10^23, दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2009 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखो और पानी बना दो, मतलब आप रिएक्शन करो H2 और O2 को आपस में रिएक्ट करके H2O बना दो, इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करा तो यहाँ पे दो लगाना पड़ा और ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे दो लगाना पड़ा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा ठीक है जी, उसके बाद आपको गिवन है कि इसके 10 ग्राम गिवन है और इसके O2 के आपके पास 64 ग्राम गिवन है। तो पहले तो इसके मोल्स निकाल लो। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपको दे रखे हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करना, तो गिवन मास इज 10, मॉलिक्यूलर मास इज 2, दैट्स व्हाट विल कम आउट टू बी कितना 5 मोल। तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के भी मोल्स कितने गिवन है आपको वो निकाल लो, तो दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 64 इज द गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास इज 32, दैट्स व्हाट दिस विल कम आउट टू बी 2 मोल। तो आपको इसके 2 मोल दे रखे हैं और इसके आपके पास 5 मोल दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई कैन से कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल बनाता है। तो मैंने क्या बोला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है और इसका 2 मोल बनाता है। ठीक है, सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करो कि इन दोनों से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते हैं, आपको जो दे रखा है ना इसके 5 मोल इसके 2 मोल दे रखे, दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरे को मिसिंग मान लो। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसके 2 मोल सब्स्टिट्यूट कर दिए और इसको मिसिंग मान लिया, ये नहीं पता, वैसे तो इसके 5 मोल दे रखे ना, बट आप मिसिंग मान लो और देखो ये क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपसे आपको मैं कहूं कि अगर इसके 2 मोल के 2 मोल आपको कंज्यूम कराने तो H2 के कितने मोल्स लगेंगे, तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2 × 2 / 1, दैट इज 4 मोल्स। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड, तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड, बट गिवन इज कितना दे रखा है, कितना गिवन इज 5 मोल्स। तो अगर आपको 100% कंप्लीट रिएक्शन करानी है तो आपको कितने मोल्स लगेंगे, 4 मोल, लेकिन दे रखे हैं कितने 5 मोल। दैट्स व्हाई आपको ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, जबकि लिमिट रिएजेंट कौन हो गया आपका O2। अब अगर आपसे पूछता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मेरे को बताओ कि ये कितना बनेगा, तो ये एक फेमस कोटेशन है, फेमस बात है, आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल ओनली डिपेंड अपॉन लिमिटेड रिएजेंट, विल नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेस रिएजेंट। तो H2O कितना बनेगा उसके लिए सिर्फ O2 को फोकस करो, हाइड्रोजन को भूल जाओ अभी, तो सिर्फ इन दोनों को फोकस करो। अगर इन दोनों को फोकस करो तो इन दोनों को फोकस करने से सोचो क्या दिखता है, इन दोनों को फोकस करने से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा था इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है। तो ऑब्वियसली आपसे पूछ रहा है कि इसका 2 मोल इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका 2 मोल इसका कितना बनाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़े प्यार से आंसर आ गया, ये तो आ गया 4 मोल ऑफ H2O विल फॉर्म। तो H2O के कितने मोल्स बन जाएंगे, H2O के आपके 4 मोल्स बन जाएंगे, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। ओके सर, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखना जरा, आपको एम्पिरिकल फॉर्मुला जानना चाह रहा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मुला के लिए चार्ट सा बना लिया करो। सबसे पहले क्या क्या है आपके पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सबसे पहले सिंबल लिखो, फिर उसके बाद इनकी परसेंटेजेस लिख लो। इनकी परसेंटेजेस क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है, इसकी परसेंटेज आपको गिवन है कितनी 38.71, इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है, इसकी परसेंटेज 9.67, और बाकी बची हुई परसेंटेज आपकी ऑक्सीजन की होगी, दैट विल बी 51.62%। फिर उसके बाद इनके रिलेटिव मोल्स निकालो। मोल निकालने के लिए क्या करना, इनके जो परसेंटेज है ना, इन्हीं को परसेंटेज को मान लेना कि इनके परसेंटेज को इनका गिवन मास मान लो। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट, इसका भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज एटॉमिक वेट, उससे डिवाइड कर दो, और इसको भी गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तो इनके रिलेटिव रेशियोज निकल जाएंगे। तो ये रिलेटिव रेशियो निकालोगे तो 3.22 आएगा, इसको निकालोगे तो 9.67 आएगा, और इसको निकालोगे तो 3.22 आएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब आपके पास इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू है ना, उससे तीनों को डिवाइड कर दो। तो 3.22 को 3.22 से डिवाइड कर दो, 9.67 को 3.22 से डिवाइड कर दो, और 3.22 को भी 3.22 से डिवाइड कर दो।
ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 3 ही आ जाएगा और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, ये वाला कॉलम जैसे परसेंटेज का था, ये वाला कॉलम मोल का था और ये वाला कॉलम क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो का हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेरे पास आ गया 1:3:1। दैट्स माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 3 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। दैट्स माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कम आउट टू बी कितना, ऑप्शन नंबर सी ओनली। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Kamsiksha. Thank you.